जैसलमेर के गुणसार लोक संगीत संस्थान में हम इस वक्त हैं और ये एक ऐसी गजब की जगह है जहां एक संस्कृति पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, संरक्षित और संवर्धित हो रही है। इस संस्थान की आज सैर करेंगे। जैसलमेर में कुछ लोग हैं जो कि पुरानी संस्कृति और सभ्यता को तमाम अवधारणाओं से, चाहे वो धर्म की हो, चाहे जाति की हो, चाहे अन्य जिन चीज़ों में हम बंटते जा रहे हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को किनारे करते हुए एक नई तरह की अवधारणा, संगीत की अवधारणा, सारे गामा प की अवधारणा यहाँ पुष्पित पल्लवित होती है। आज बात करेंगे यहीं पे गुणसार लोक सेवा संगीत संस्थान में। आइए। तो यह गुणसार लोक सेवा संगीत संस्थान है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गुणसार लोक संगीत संस्थान जो है ये दशकों से यहाँ चल रहा है। आप मेरे पीछे देखते हैं कितना एक प्रभावी काम यहाँ पे हो रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन सहयोग कर रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। संगीत एक ऐसी परंपरा है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनवरत सफ़र करती है, बसरते सिखाने वाला और संरक्षण करने वाला एक अनूठे श्रद्धा भाव के साथ ही, देने के भाव के साथ चलाए रखें। लेकिन चूंकि चीज़ें महंगी होती हैं आज के बाजारवाद के दौर में, ये लोग जो ज़मीन से उठे हुए, ज़मीन से निकले हुए लोग हैं, हम मिलेंगे बच्चों से, यहाँ संगीत पे काम कर रहे लोगों से। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, जिसमें मैं अगर फ़ोटोज़ की बात करूँ तो यहाँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, यहाँ सलीम मर्चेंट, दिलीप शुक्ला जी, बहुत सारे IAS IPS, यहाँ पे आपको अलका याग्निक का फ़ोटो दिखेगा। यहाँ के बहुत सारे बच्चे इंडियन आइडल में गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने संगीत की सेवा की है। और ये बच्चे कैसे तैयार हो रहे हैं, ये लोग, ये जो पारंपरिक लोग हैं, मैं साथी को कहूँगा इधर नज़र डालें। आपने स्वरूप खान का नाम सुना होगा, ये देन है इस संस्थान की। ऐसे लोग आप जो इधर अगर लीजेंडरी कलाकारों को देखें जो कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें तगाराम जी भील हैं, रोजे खान जी हैं, रोहन खान हैं, सवाई खान हैं, कोक स्टूडियो फेम जो है, उसके अलावा आप मेहरदीन लंगा, पेम्पा खान, हमीरा, ये लोग जो बने हैं, जिन्होंने जैसलमेर की मिट्टी को एक अलग पहचान दी है, वो इस संस्थान से बने हैं और इसी गुणसार संस्थान में, संगीत संस्थान में आज हम हैं। क्या नाम है आपका? मुकद्दर खान। मुकद्दर खान, क्या है आप, क्या बजाते हैं? मैं खड़ताल और मोरचंग भपंग। कितने टाइम से आप यहाँ हैं? मैं आज 10 साल हो गया है। बचपन से आप लोग यहाँ हैं। आपका क्या नाम है? सलमान खान। सलमान खान, अरे वाह क्या बात है। आपका? अरमान खान। अरबाज खान। अरमान खान, अरबाज खान भी होगा, सलमान खान है तो अरबाज कौन है। अरे क्या बात है, देखो पूरी खान फैमिली है। आप क्या गाना सीख रहे हो या बजाना? गाना सीख रहे। क्या क्या बजा रहे हैं आप, दिखाएं, देखें। गाना गा रहे हैं। आपका सर क्या नाम है? खेता खान जी। खेता खान जी, क्या है थोड़ा बताएं आप अपने जी। यहाँ गुणसार लोक संगीत संस्थान है, तो बच्चे आते, 2 घंटा शाम को रियाज करते, 2 घंटा सुबह करते, मैं उनको सिखा रहा हूँ, टीचर हूँ उनका। आप टीचर जी? तो ये इन परिवारों के लोग ही हैं या? हमारे परिवार ही है, परिवार है और भोपा भाट वगैरह सब आते हैं। चलो बढ़िया, सभी जातियों के, जाति धर्म से परे। आप नाम देखेंगे तो बिल्कुल हिंदू और मिक्स कल्चर जैसा नाम लिखेगा। आपका क्या नाम है, आप ये बजा रहे हैं जिस वाद्य यंत्र का, क्या नाम है? नाम मिश्री खान है, इनका नाम कमाईचा है। इनका नाम कमाईचा, देखिए अपने यंत्र के लिए जिस सभ्यता के साथ बात कर रहे हैं, इनका नाम कमाईचा है। तो कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी तो बहुत ज्यादा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आ रही है जी, पीढ़ी दर पीढ़ी कमाचा मैनार समाज का। आप जो बजा रहे हैं वो सारंगी है शायद जी? ये संदीप सारंगी है जी, जी। क्या नाम है? सिंधी सारंगी। हाँ संदीप, हमारा नाम संदीप खान है, हमारे कई पड़े, हमारा खानदानी काम ये सारंगी बजाते हैं, हमारे पड़े दादा से हम बजा रहे हैं कई पीढ़ी के। सारंगी के लिए कहा जाता है कि 100 रंग इसमें होते हैं, इसलिए सारंगी कहलाती है, और इसमें एक जबान नहीं है अन्यथा इंसान की तरह बोल पाती। अच्छा आपका क्या नाम है? अयाज खान। लीजिए, बहुत छोटा सा बालक संगीत की सेवा में। आपका क्या नाम है? रियाज। रियाज खान, चलो सभी बच्चे रियाज कर रहे हैं। और ये एक अच्छा, यहाँ से काफी बच्चे इंडियन आइडल में और दूसरी जगह भी गए हैं, कौन कौन, क्या सफलता रही आप बताएं, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम गुलाब खान है। गुलाब जी, हाँ जी, यहाँ पर रियाज होता है रोज और सीखते हम, और सोई भाट वगैरह आगे गए
और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है जाने की। जाने की आपका क्या नाम है पीछे? तारिफ खान। तारिफ खान, तो क्या तारीफ, क्या बजाते हैं, क्या सीख रहे हैं आप? हम करताल सीख रहे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। और कोई नाम बताना चाहेंगे अपना? हम अरबाज से मिल लिए। आपका क्या नाम है? माजिद खान। माजिद खान। आप? बल्लू खान। बल्लू खान। अरे ये छोटा सा बालक, क्या नाम आपका? हैप्पी। हैप्पी, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। आपका? मेरा नाम स्वरूप खान है सर। स्वरूप खान एक बने हैं पहले, और भी स्वरूप खान निकलने की उम्मीद होती है। ये एक अनूठा संस्थान है जहाँ बच्चे हमें कुछ सुनाएंगे, आप गा के कुछ? जी जी बिल्कुल, क्या सुनाएंगे? सुवटियो, सुवटियो मतलब तोते के लिए कहा गया है शायद, कि जो दाने जावे तो क्या करें? जी। जो दाने जाऊं तो सुआ क्या लाऊं? जी, क्या लेके? छोटी धन्ना चूड़ला रिकॉर्ड मारो सुवटियां लेके आए। तो भावनाएं हैं और इन कंठों में सरस्वती विराजती हैं और ये संगीत की साधना में रत हैं। और भी लोगों से बात करेंगे क्या है इस संस्थान के बारे में, कौन इसके संचालक है और कैसे ये चल रहा है। हमारे साथ बख्श खान जी हैं जो कि गुणसार लोक संगीत संस्थान को चला रहे हैं। कैसे चला पा रहे हैं, आजकल कल्चर खो रहा है? हम तो 15 पीढ़ियों से मांगणिया लंगार, ये जो जाति है, जो 15 पीढ़ियों से ये संगीत हम गाते बजाते, हमारी ये विरासत है, हमारा ये संरक्षण है, हमारी धरोहर है। और हम प्राउडली कह सकते हैं हम इस कम्युनिटी में जन्म लिया है, क्योंकि जन्म से लेके बुजुर्ग तक के गाने गाने वाली ये जातियाँ 15 पीढ़ियों से डाइंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड हमने इसको प्रमोट किया है, ये जाति 15 पीढ़ियों से ये काम कर रही है। हम इस स्कूल को गुरु शिष्य ट्रेडिशन, हम पहले शुरुआती जजमानी प्रथा के, या ये जो जो आप जो देख रहे हैं, ये आज की कला है, यहाँ का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ का गीत है, यहाँ का संगीत है, इसका क्रेडिट जाता है तो सिर्फ पैटर्न्स और जजमान को जाता है, जिन्होंने 15 पीढ़ियों से हमारे इस लोक कलाकार समुदाय को, जिसमें 11 जातियाँ हैं, सिर्फ लंगाई नहीं, सिर्फ मंगनियारी नहीं, मीरासी नहीं, भात भोपा कालबेलिया तेरा ताल गाड़िया लोहार, 11 ऐसी जातियाँ हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों, ये बाबा बुले शाह का कलाम गाते हैं तो यही गणेश वंदना गाते हैं। ये एक अच्छी चीज देखी है, गंगा जमनी तहजीब नजर आती है। मैंने बच्चों के नाम पूछे, किसी का नाम मोती खान है, किसी का नाम यशवंत खान है, ये क्या है? ये हमारा हिंदू नाम है तो हमारा मुस्लिम नाम स्वरूप है। तो यहाँ की माता रानी भटियाणी है, हमारा 80% जो आजीविका है वो यहाँ के लोकल डिवोटी पे चलती है, क्योंकि हमारा पैशन, हमारा प्रोफेशन ये गाना बजाना है। जन्म से लेके बुजुर्ग तक के गाने गाते हैं और शांति सौहार्द की ये जाती है, यही बाबा भोले शाह के कलाम गाते हैं तो यही गणेश वंदना गाते हैं। जितने भी लोकल डिवोटीज वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, उसमें कोई मंगनिया जाके गाना बजाना शुरू नहीं करता है तो किसी गणेश जी का भी प्रस्थान होता है उसमें। ये चलाने में बहुत महंगा पड़ता होगा, क्योंकि जैसे मैंने देखा बहुत पुराने वाद्य यंत्र है, खड़ताल है, कमाईचा है, सारंगी है, आपके हारमोनियम है, और बच्चों के लिए जो ये चीजें खर्च होती होंगी, कैसे पैसे की व्यवस्था, कौन आपके लोग? कुछ ऐसी आत्मीयता है जिन्होंने इस, कुछ लोगों का नाम आप बताएं, इस दरवाजे को खोला है, इस दरवाजे को आज दिन तक चला रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा कि एक तो है प्रिंस उदयपुर महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह, एक है मानवेंद्र सिंह शेखावत MD सूर्यगढ़, सूर्यगढ़ के MD हैं, और लक्ष्यराज सिंह जी, ये आप दिख रहे होंगे, ये जो है सामने कोविड के टाइम से लेके और जब से स्कूल खुली है तब से इनका इंस्ट्रूमेंट डोनेशन है,
हमारा इस संस्कृति को बचाने का है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो लुप्त हो रहे हैं, जैसे कमायचा है, सिंधी सारंगी है, तो उनके ऊपर इनका ध्यान, इनका इन्होंने प्रिंस उदयपुर ने हमको सलीम सुलेमान को भी इंट्रोड्यूस किया, तो हमने वर्ल्ड टूर किया पूरा, और मैं उनके साथ 33 साल से जुड़ा हुआ इनके साथ में, मानवेंद्र सिंह जी एंड प्रिंस उदयपुर के साथ। तो उनकी जो इनका जो विजन है, इनके जो ध्येय, जो लुप्त हो रही है, जो कमायचा, जो हमारा जिस नाम से ये जानी जाती है सिंधी सारंगी और कमायचा, इसके ऊपर अभियान अभी चल रहा है, और ट्रेडिशन को ये अदर ट्रैक पे नहीं जाए, बचाने के लिए ये पुश्तैनी जो हमारा पारंपरिक लोक संगीत है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है, ये बनी रहे, और देश विदेश में हम वैसे वर्ल्ड वाइड टूर कर चुके हैं सलीम सुलेमान मिस्त्रों के साथ में, तो ये एक ऐसा क्रिएशन, 500 से ज़्यादा निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर द एजुकेशन स्कूल वी ओपन दिस डोर फॉर टीचिंग एक्ट्स गुरु एंड शिष्य ट्रेडिशन में, जो हमारे पुराने गाने हैं, हमारा पुराना इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, वो एज इट इज अलाइव रहे, और ये क्रेडिट जो है सब पैटर्न्स एंड जजमान को जिन्होंने हमको 15 पीढ़ियों से पाला है, और वी आर प्राउड ऑफ इट that we are born in this community where folk music is there. बख्श खान जी ने बताया बाजार, जब दुनिया बाजार की दुनिया आती है कल्चरल इलाकों में तो अक्सर कल्चर को खा जाती है, लेकिन यहाँ दो होटेलियर्स का नाम बताया, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, मानवेंद्र सिंह शेखावत, जिनके बड़े होटल हैं यहाँ पे, गोरबंद हैं, सूर्यागढ़ पैलेस हैं, वो लोग कल्चर के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, डेवोटेड हैं, और ये लोग जिनके कंठों में सरस्वती बैठती हैं, धर्म यहाँ आड़े नहीं आता, जाति आड़े नहीं आती, और जिस तरह से साधना है एक अनवरत चलती जा रही है वो काबिले तारीफ है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बख्श खान जी। तो हमारे साथ जैसलमेर के स्थानीय निवासी बड़े सक्रिय गोपा साहब हैं, विमल जी गोपा, क्या बताएंगे आप इस स्कूल के बारे में, आज हमने देखा बड़ा अच्छा लगा। ये स्कूल जो है, मैं इसको स्कूल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को जीवन कैसे जिया जाता है वो सिखाया जाता है, क्योंकि संगीत अपने आप में एक जीवन दर्शन है, सो यहाँ पे संगीत सिखाया जाता है, और जो विरासत में इनको मिला है, जो आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे या बड़े, जो ये संगीत है ये इनके खून में है, ब्लड में है, जेनेटिकली जो है संगीत इनके ब्लड में आता है, और उसी संगीत को जो है आगे ये लोगों को सुनाकर मंत्रमुग्ध करते हैं, साथ ही साथ ये अपने जीवन का जीवन उपार्जन भी इसी के माध्यम से करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये दिन दुनी चौगुनी वृद्धि करें, और अच्छे अच्छे लोग आके इनके संगीत स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमें किसी बिजनेसमैन का नाम बताया उन्होंने, बख्श खान जी ने, कि वो लोग इनको फाइनेंशली हेल्प कर रहे हैं, मॉरली भी ऐसा है कि पीढ़ियों से जो है लंगा और मंगनियार जाति को जो है क्षत्रियों ने और अदर कम्युनिटी ने हमेशा मुक्त हाथों से सहयोग किया है, और उसी की परिणाम आप देख रहे हैं कि ये कला आज तक जीवित है। बाकी भी हिंदुस्तान में कई जगह कई कलाएं थी, लेकिन वो लुप्त हो गई है क्योंकि उनको भरण पोषण उनका नहीं हो पाया, और आप यहाँ देखते हैं इस संस्थान के अंदर आप देखो इतने छोटे बच्चे और बड़े सब सीख रहे हैं और उत्साह से सीख रहे हैं, इसका मतलब उनको ये आगे भी जा रहे हैं, इंडियन आइडल तक बच्चे गए। बिल्कुल, विश्व में हर जगह अपनी पहचान अगर जैसलमेर के बारे में हम कहें तो फोक आर्ट ने दी है। जी, तो फोक आर्ट जो है, लोक कला जो है, वो हमारी पहचान, यहाँ की मिट्टी एक एक अनूठी सुगंध रखती है, अनूठी आवाज़ रखती है, और वो आवाज़ हमें गुणसार संस्थान में नज़र आती है, जिसको परिलक्षित और परिवर्धित करने के लिए बख्श खान जैसे लोग समर्पित हैं, संस्थान समर्पित हैं, तो इनकी तारीफ बनती है। आपको लगता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।